हेलो फ्रेंड्स, एचआरएम के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। सो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसको शॉर्ट में हम लोग बीपीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज वन अप्रोच फॉर रीडिजाइनिंग द वे वर्क इज डन टू बेटर सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस गोल्स एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑन ऑल पैरामीटर्स। तो इसका सिंपल सा मतलब है री इंजीनियरिंग। री मतलब होता है किसी इसको दोबारा से करना, ठीक है, रिपीट करना। तो ये टाइप की अप्रोच होती है ताकि जिस तरीके से काम किया जाता है तो उसको दोबारा से डिजाइन किया जाए, रीडिजाइन किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप मान लीजिए किसी ब्रांच में काम करते हैं, ठीक है, तो आपका एक ब्रांच मैनेजर है। अब हुआ क्या कि आपके ब्रांच मैनेजर का पोस्टिंग हो गया, उसके बदले एक नया ब्रांच मैनेजर आपकी जगह पे आया। तो आपने देखा होगा कि हर इंसान के काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो री इंजीनियरिंग को आप बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकते हो। पुराने वाला ब्रांच मैनेजर शायद बहुत ज़्यादा कैजुअल ना हो, मतलब छोटी मोटी चीज़ों में वो एडजस्ट करता हो, बट नए वाला ब्रांच मैनेजर ऐसा हो सकता है कि वो आपके हर सर्कुलर के हिसाब से बात करता हो, कि जिस हिसाब से सर्कुलर में लिखा गया उसी हिसाब से काम होना चाहिए। तो यानी हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो री इंजीनियरिंग में भी कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट काम करता है। यहाँ पे इस अप्रोच को जो है री इंजीनियरिंग का नाम दिया गया, जिसमें जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसको रीडिजाइन करना। री मतलब दोबारा से, जिस तरीके से पहले काम हो रहा है तो उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। क्यों हम चेंजेस कर रहे हैं? ताकि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सके, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस का जो गोल है, जो हमारी एफिशिएंसी है हर पैरामीटर्स में, उन एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और जो गोल है उसको अचीव किया जाए, अच्छे तरीके से अचीव किया जाए। तो उसी पर्पज़ के लिए जिस हिसाब से काम किया जाता है उसी को जो है रीडिज़ाइन किया जा रहा है। रीडिज़ाइन द वे वर्क इज डन, जिस हिसाब से काम हो रहा है उस इसको दोबारा से डिज़ाइन करना कि इस तरीके से जो है किया जा सकता है। तो उसी को बोला जाएगा बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए बैंकों में ऐसा होगा कि तीन काउंटर होंगे, ठीक है। तो एक होगा आपका कैश काउंटर, एक मान लीजिए केवाईसी फॉर्म का काउंटर, और एक मान लीजिए आपका था अकाउंट ओपनिंग का काउंटर। ये पहले की बात है, मान लीजिए ये अभी से 10 साल पहले की बात है। लेकिन अभी आपने बहुत सारी ब्रांचेज, जो छोटी ब्रांचेज है, वहाँ आपने देखा होगा आपको मिलेगा एक कैश काउंटर, एक केवाईसी काउंटर, ठीक है। तो केवाईसी में आपके और भी जैसे छोटी मोटी रिक्वेस्ट है, जैसे किसी को एटीएम की रिक्वेस्ट है, किसी को एड्रेस चेंज करना है, किसी को पासबुक चाहिए, तो वो सारा काम इधर ही हो जाता था। बट अभी क्या किया, देखा गया कि छोटी ब्रांचेस पे इतना पासबुक प्रिंटिंग या एटीएम या केवाईसी रिक्वेस्ट नहीं आता, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो बोला कि जो केवाईसी पासबुक प्रिंटिंग ये जो एटीएम की रिक्वेस्ट वाला काम करेगा वही अकाउंट ओपनिंग वाला काम भी करेगा। तो इसमें क्या किया, इसमें जो काम किया जा रहा था उसको री इंजीनियर रीडिजाइन किया गया। तो इससे क्या होगा कि जो इंप्लॉय, जो यहाँ पे पहले यहाँ पे आपको दो स्टाफ की जरूरत होती थी, एक जो है इस काम को देख रहा था, एक इस काम को, लेकिन अब उन दोनों सीटों को मर्ज कर दिया गया। अब अकाउंट ओपनिंग, एटीएम, केवाईसी, ये सारा काम एक ही पर्सन करेगा, एक ही स्टाफ करेगा। तो जब ये चीज चेंज की गई तो देखा गया कि काम तो उसी तरह से चल रहा है, तो यानी जो इंप्लॉयज है उनसे ज्यादा एफिशिएंट वे में काम को लिया जा रहा है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है, ज्यादा आउटपुट उनसे लिया जा रहा है। तो वही होता है हमारा बिजनेस प्रोसेस रीजनिंग। तो इसमें एक तरीके की अप्रोच है जिससे हमारे काम करने के तरीके को दोबारा से जो है डिजाइन किया जाएगा। रीजनिंग इज द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट। ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट होता है अच्छा खासा इंप्रूवमेंट। जो भी हमारे एरियाज हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है, जैसे आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, किस हिसाब से क्वालिटी है, किस हिसाब से सर्विस है, ये किस स्पीड से काम किया जा रहा है, तो उस सब में डिजाइन को, जो जिस हिसाब से काम हो रहा है, जो लोगों की परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज की, तो उसको दोबारा से सोचा जाएगा कि क्या इसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, क्या इसका जो डिजाइन है काम का उसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है जिससे जो है परफॉर्मेंस लोगों की, एम्प्लॉयज की जो है बढ़े। इट फोकस ऑन प्रोसेस एंड नॉट ऑन टास्क, जॉब और पीपल। तो ये जो है मेनली फोकस करता है प्रोसेसेस पे, ना कि टास्क पे, काम, जॉब या लोगों पे, लोगों से यानी इंप्लॉय से ज्यादा ये फोकस प्रोसेसेस पे करता है कि ये प्रोसेस इस तरीके से होना चाहिए। रीइंजीनियरिंग स्टार्ट विद हाई लेवल असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन, आपके गोल्स और आपके कस्टमर की डिमांड। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप रीइंजीनियरिंग कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने बिजनेस प्रोसेस का आप रीइंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपका मेन फोकस पता है किस इस पे होगा, इस पे होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। मिशन मतलब उसका पर्पस क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी जो है, उसके गोल्स क्या है, उसके कस्टमर्स की डिमांड क्या है, इन सभी फैक्टर्स को देखा जाएगा और फिर आपकी रीइंजीनियरिंग जो है, आपके प्रोसेस जो है रीइंजीनियरिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। अब ये ग्रीन कंपनसेशन और रिवॉर्ड सिस्टम क्या चीज है? अ ग्रीन कल्चर इन द बैंक सम वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन, यानी जिन लोगों ने, जिन एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, तो उनको कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, ठीक है, कुछ अलग से उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो दो स्टाफ है, एक स्टाफ वो है जिसने कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उनको कम करने के लिए कोई रोल नहीं है,
दूसरी तरफ एक दूसरा एम्प्लॉय है जिसका अच्छा खासा रोल है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो यानी जिसने इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम किया, इन्वायरमेंट के लिए कोई मान लीजिए उसने कोई डिग्री हासिल की है, कोई यूनिवर्सिटी से उसने कोई कोर्स कर लिया इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का, ठीक है, या कोई और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस आ गए इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट को लेके, तो उसको जो है कुछ कंपनसेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन देती है, कुछ रिवॉर्ड उसको देती है, तो वही हो गया हमारा ग्रीन कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें लिखा है अ ग्रीन कल्चर इन बैंक सम वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर रिवॉर्डिंग एंड इंसेंटिवाइज द एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स हु आर परफॉर्म वेल इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो जिन भी एम्प्लॉयज ने, जिन भी स्टाफ ने अच्छा परफॉर्म किया है एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, तो उनको अलग से कुछ इंसेंटिव, कुछ रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। फर्दर द फिक्स कंपोजिशन शुड ऑल्सो इनकम्पास सम पोर्शन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स और स्पेशल अलाउंसेस। तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो कुछ उनको इंक्रीमेंट दे दीजिए या कुछ अलग से स्पेशल अलाउंसेस दे दीजिए, ताकि उनके जो ग्रीन स्किल्स जो है एक्विजिशन उन्होंने हासिल किया, या मान लीजिए कोई अच्छी क्वालिफिकेशंस ली है किसी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए के बारे में एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से, तो उनको आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो वही हो जाएगा हमारा ग्रीन कंपोजिशन एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीन एम्प्लॉयर रिलेशन। अब ग्रीन एम्प्लॉयर रिलेशन क्या है? अकॉर्डियल मतलब एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में। इट ड्राइव टुवर्ड्स इनहांस मोरल, इंक्रीज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो जब एक अच्छा रिलेशनशिप होता है आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके वर्कर्स के बीच में अगर अच्छा रिलेशनशिप है, तो उससे आपके जो आपके वर्कर्स है, जो एम्प्लॉय है, उनका मोरल बढ़ता है, उनकी जो है एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब आप डिसीजन में भी उनको रोल दे रहे हैं, और साथ साथ जो एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट वो भी इम्प्रूव होता है। इनफैक्ट पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशनशिप आर इंटेंजिबल्स एंड इंड्योर एसेट्स। एक पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो एक असर के तौर पर काम करता है। वो इंटेंजिबल है, मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट वो भी आपके एक असर के तौर पर काम करता है, ठीक है। और एक अच्छा खासा कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस है, मतलब आपके कॉम्पिटेटर्स आप आगे रहेंगे अगर आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का एक अच्छा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन ग्रीन इनिशिएटिव इंक्रीज द चांस ऑफ बेटर ग्रीन मैनेजमेंट एज इट अलाइन एम्प्लॉयज गोल्स कैपेबिलिटीज एंड परसेप्शन विद ग्रीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम। तो ग्रीन एम्प्लॉय रिलेशनशिप में यही होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका अगर आप उनको भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मतलब उनको भी लेके चल रहे हैं कि उनके डिसीजन सुन रहे हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, अगर एम्प्लॉय खुद सजेशन दे रहे हैं कि हमें पेपर वेस्टेज कम से कम करनी चाहिए, और चीज़ अगर एम्प्लॉयज खुद से कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो भी आपके अचीव हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बस इतना कहना चाह रहा है ग्रीन एम्प्लॉय रिलेशन का मतलब जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। किस इसमें बढ़ना चाहिए कि आप जो है उनको डिसीजन दे कि हमें एक अच्छा खासा ग्रीन जो है इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कम कार्बन फुटप्रिंट जो है वो करें। तो उसके लिए जो है आप अपने एम्प्लॉय से पार्टिसिपेशन, मतलब उनसे आप राय लीजिए कि क्या क्या हमें करना चाहिए, और उनकी राय होगी तो वो अच्छे से जो है काम करेंगे उस मामले में, ठीक है। इन्वायरमेंट के मामले में अच्छे से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो आप बेटर वे में अपना मैनेजमेंट जो है ये इसका इन्वायरमेंट को जो आप इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो उसको आप बेटर वे में जो है मैनेजमेंट कर पाएंगे, तो वो आपका एक अच्छा ग्रीन एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी जो है उसमें आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज डिसिप्लिनरी प्रोसेस। डिसिप्लिनरी प्रोसेस का मतलब जैसे किसी एम्प्लॉय ने, कोई स्टाफ ने कोई गलती कर दी, जिस गलती के लिए आप उनके खिलाफ जो है कुछ, मतलब उनसे आप कुछ डिटेल्स, कुछ एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव उनके खिलाफ लिया जाता है, तो वही होता है हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसेस। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इनिशिएट द डिसिप्लिनरी प्रोसेस विद विच एडवाइजिंग द एम्प्लॉय इन क्लियर टर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट कमिटेड बाय हिम। तो कुछ भी मान लीजिए कुछ उनसे गलती हो गई, कुछ मिसकंडक्ट उन्होंने कर दिया, तो उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस आप ले रहे हैं। अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस विच में इंक्लूड अ डोमेस्टिक इंक्वायरी फॉलोड बाय अ वेरियस डिग्री ऑफ पनिशमेंट। तो आप उनकी इंक्वायरी करा सकते हैं, या अलग अलग टाइप की जो पनिशमेंट आप उनको दे सकते हैं। पनिशमेंट में क्या है कि उनका इंक्रीमेंट रोक देना या उनके प्रमोशंस रोक देना, तो इस तरह की जो है पनिशमेंट आप उनको दे सकते हैं। द एम्प्लॉय आर मेड टू रियलाइज द मिस्टेक। तो इससे क्या होगा, अगर आप किसी मतलब कोई स्टाफ ने कोई गलती की, तो अगर आप उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, तो फ्यूचर में वो इस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराता, ठीक है, और उनको कुछ पनिशमेंट मिल जाती है, तो बाद में वो जो है रूल्स को फॉलो करते हैं, और उनको देख के जो बाकी के एम्प्लॉयज हैं वो भी सीखते हैं कि हाँ, अगर कुछ गलत आप कर रहे हैं या कुछ आप रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ जाके अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको भी जो है पनिशमेंट मिलेगी। किस फॉर्म में, आपका इंक्रीमेंट रोक लिया, आपका प्रमोशन रोक दिया गया, या अगर आप हाई किसी में मेजर पनिशमेंट क्या होती है कि अगर मान लीजिए स्केल 4 ऑफिसर, उनको स्केल 2 ऑफिसर बना दिया, तो अलग अलग तरह से जो है डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपने मिसकंडक्ट किया है, उस हिसाब से आपकी पनिशमेंट डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो वही होता है हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव एंड इट्स रोल इन बैंक। डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है और उसका बैंकों में क्या रोल होता है। डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव एंड इट्स रोल इन बैंक, द चार्ज शीट इंप्लाइज हैज अ राइट टू हैव डिफेंड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ अ बैंक। यानी जिस पर्सन को हमने एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की बात की थी, जिसके खिलाफ मान लीजिए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, उसने कोई मिसकंडक्ट कर दिया जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उस एम्प्लॉय के पास पूरा राइट है कि वो चाहे तो अपने डिफेंड में किसी भी ट्रेड यूनियन का जो है, वो जो बैंक एम्प्लॉय है, वो किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से खुद के डिफेंड में एक रिप्रेजेंटेटिव की मांग कर सकते हैं। एक्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेटिव, तो कोई लॉयर, लेकिन उससे पहले आपको डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं एक लॉयर को भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉयर आपके खिलाफ जो भी बातें हुई है तो बताएगा, तो लेकिन उससे पहले आपको डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है उसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। द इंक्वायरी ऑफिसर हैज़ नो पावर टू परमिट द डिलिंक्विश्ड एम्प्लॉयज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर। जो इंक्वायरी कर रहा है उसके पास कोई पावर नहीं है। इफ अ रिक्वेस्ट देयर फॉर इज रिसीव्ड, इट शुड बी रेफर टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो जो इंक्वायरी ऑफिसर, उसके पास कोई पावर नहीं है। अगर इंक्वायरी ऑफिसर के पास कोई रिक्वेस्ट चली गई कि मेरे को लॉयर चाहिए, वो जो कस्टमर है, मतलब जो आपका एम्प्लॉय है जिसके खिलाफ, जिसने मिसकंडक्ट किया, जिसके खिलाफ आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेने जा रहे हैं, तो अगर वो भले ही उसने इंक्वायरी ऑफिसर को रिक्वेस्ट की है कि मुझे लॉयर की चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो आप उसको रेफर कर देंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अप्रूव करेगा, उसके बाद ही आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो वही हमारा डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव एंड इट्स रोल इन बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रॉड इन बैंक। बैंकों में फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड अगर हम सिंपल टर्म में बात करना चाहें तो फ्रॉड इज ए रॉन्गफुल और क्रिमिनल डिसेप्शन इंटेंडेड टू रिजल्ट इन फाइनेंशियल और पर्सनल गेन। तो क्रिमिनल या कोई गलत आपने काम किया ताकि आपको एक फाइनेंशियल या पर्सनल गेन हो सके, ठीक है, उसे चक्कर में आपने कोई रॉन्गफुल, कोई गलत या क्रिमिनल एक्टिविटी की, तो उसको ही फ्रॉड बोला जाएगा। इट कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज एक्ट और कोर्स ऑफ डिसेप्शन और इंटेंशनल कंसीलमेंट और ऑमिशन और प्रेजेंट। तो सच्चाई को छुपाना, ठीक है, और इंटेंशन मतलब जानबूझ के जो है कुछ चीज़ें छिपाना, कुछ धोखा देना, तो ये सारी चीज़ें आपके फ्रॉड में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, ऐसा क्यों किया गया, टू गेन अनलॉफुल और अनफेयर एडवांटेजेस। तो जो कानून के तहत या गलत थे उस फायदे को उठाना। इंड्यूस अनदर टू पार्ट विद सम वैल्यूएबल आइटम्स और सरेंडर लीगल राइट। कोई लीगल राइट है उसको आप सरेंडर कर रहे हैं, या कुछ किसी तरह से जो आप इंजरी अपने ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से जो है इन्फ्लिक्ट इंजरी इन सम मैनर, किसी दूसरे तरीके से अगर आप इंजरी कर रहे हैं दे रहे हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा। बैंक विच डील विद मनी एंड हंड्रेड ऑफ डेली। तो बैंकों के पास क्या है, चारों तरफ मतलब जनरली पैसा ही रहता है, ठीक है, और कस्टमर का पैसा रहता है, और कई ज़्यादा उसको डेली ट्रांसफर्स करनी होती है, डिपॉजिट और विड्रॉल आती है, तो बहुत चांसेस रह जाते हैं कि बैंकों में जो फ्रॉड ये सब हो। बैंक जो है कस्टमर से गोल्ड लोन लेता है, तो जो गोल्ड ज्वेलरी रहती है बैंकों की कस्टडी में, ठीक है, वहाँ पर भी फ्रॉड के कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं, तो वही सारा हमारा फ्रॉड में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ डिसिप्लिनरी एंड अपील रेगुलेटरी फॉर ऑफिसर्स। तो पेनल्टीज किस तरह से है, तो जनरली दो तरह से पेनल्टीज कराई जाएंगी, ठीक है, एक होगी मेजर पेनल्टीज और होगी दूसरी होगी हमारी माइनर। तो डिफरेंस क्या है, माइनर मतलब छोटी छोटी वार्निंग देना, मेजर मतलब बड़ी अच्छे खासे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कोई प्रमोशन आपका रोक देना, कोई इंक्रीमेंट आपका रोक देना, ठीक है, तो आपका माइनर पेनल्टी में आ जाएगा। ऐसे एक मेजर पेनल्टी मतलब आप मान लीजिए स्केल फोर्थ है तो आपको स्केल टू ऑफिसर बना दिया, मतलब आपका प्रमोशन नहीं डिमोशन मतलब डिग्रेड आपको कर दिया, पहले आप स्केल फोर्थ है आपको स्केल टू बना दिया, ये स्केल टू से स्केल वन कर दिया, तो आपको पुराने लोअर ग्रेड में जो है आपको भेज देना, ठीक है, या कंपलसरी रिटायरमेंट, आपसे बोला जाए कि आपको रिटायर करना है होना है, तो इस तरीके का जो है मेजर पेनल्टी में आ सकता है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस विच शैल नॉट बी, तो आपको जॉब से ही हटा देना, आपको जॉब से ही निकाल देना, और आप फ्यूचर में किसी और उसी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्वालीफाई हो पाए, मतलब फ्यूचर में आपको दोबारा वो नहीं लेंगे। डिसमिस विच में विच शैल ऑर्डिनरी शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। डिसमिस कर देना, सर्विस से ही आपको हटा देना, डिसमिस कर देना, और फ्यूचर में आप डिस्क्वालीफाइड हैं दोबारा से उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए। रिकवरी फ्रॉम पे और एनी अदर अमाउंट एज ड्यू टू ऑफिसर्स ऑफ होल, और जैसे मान लीजिए बैंकों को कोई भी अमाउंट कस्टमर की वजह से, मतलब जो स्टाफ ने कुछ बैंकों को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, कोई लॉस हुआ, तो उसकी रिकवरी कस्टमर से मतलब अपने एम्प्लॉय से करना, जिस एम्प्लॉय की वजह से बैंकों को लॉस फेस करना पड़ा, तो ये चारों चीज़ें हमारे मेजर पेनल्टी में आ जाएंगी, ठीक है। तो माइनर में क्या है, सिंपल चीज़ें कि जो है प्रमोशंस को रोक देना, कोई इंक्रीमेंट है तो उसको रोक देना, इस तरीके का जो है माइनर में आ जाएगा। मेजर में आपका जो है आप स्केल फोर से स्केल टू बना दिया, या आपको जॉब से हटा दिया, या आपको डिसमिस कर दिया, इस शर्त पे कि कभी दोबारा आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, और आपसे जो पैसा है उसको रिकवर किया, कौन सा पैसा, जिसकी वजह से मतलब आपकी वजह से जो बैंकों को लॉस हुआ तो उस लॉस का पैसा आपसे रिकवर किया, तो ये सारी चीज़ें हमारे मेजर पेनल्टी में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्कर पार्टिसिपेशन। वर्कर पार्टिसिपेशन क्या होता है।
वर्कर पार्टिसिपेशन इम्प्लाइज अरेंजमेंट डिजाइन टू इन्वॉल्व वर्कर्स इन द एंटरप्राइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो वर्कर पार्टिसिपेशन मतलब आपको जो डिसीजन लेना है आप अपने वर्कर्स से पूछ कर डिसीजन ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा उनको भी फील होगा कि हाँ हमसे हम जैसे वो हमारे हमसे पूछा जाता है हमारी भी चलती है, तो उनको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे खुद को, ठीक है। और उससे वो एक अच्छा एफिशिएंट वे में जो है काम करेंगे, एक अच्छा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको एफिशिएंट और जल्दी जो है उसको पूरा करने में आपको सपोर्ट देंगे। तो वही होता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। इट इम्प्लाइज अरेंजमेंट डिजाइन टू इन्वॉल्व वर्कर्स इन द एंटरप्राइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। दिस अलाउज फॉर वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट इन इनिशिएशन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच स्ट्राइव टू रीच इट्स गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अपने गोल को पूरा करने के लिए डिसीजन लेना है तो उसको आप इनिशिएट कर रहे हैं अपने डिसीजन को, या फॉर्मुलेट कर रहे हैं, या डिसीजन को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप वर्कर्स से भी पूछ लेंगे कि क्या इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो हाँ बोलते हैं आप उसी हिसाब से उनकी राय लेके कर रहे हैं तो उससे भी अपने आपको जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। द रिजल्ट आर ऑब्टेन थ्रू पीपल एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल रोल इन। तो अब उनको मालूम है कि हमने इस तरह का डिसीजन लिया, इस तरह का गोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है और हम सभी ने रजामंदी दिखाई है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि उस गोल को पूरा करने में आपको पूरा सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो मन से काम करेंगे तो वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो एक अच्छा खासा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होकर काम करेंगे, और मैनेजमेंट प्रोसेस में आपके जो गोल्स हैं उनको पूरा करने में वो आपको अच्छा खासा रोल जो है इसमें प्ले करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टिसिपेशन थ्रू क्वालिटी सर्कल, ठीक है। तो क्वालिटी सर्कल के थ्रू क्या पार्टिसिपेशन होता है और ये क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल वॉज ओरिजिनेटेड। तो क्वालिटी सर्कल की बात पता है कहाँ से शुरू हुई थी, जापान से शुरू हुई थी, 1960 की बात है। तो 1960 में जो है मतलब जापान में क्या था कि कुछ जैसे कार्स बन रही है, कुछ भी चीज़ बन रही है तो वो बहुत एक अच्छी क्वालिटी का है, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी कि मतलब मार्केट में मान लीजिए 10 कंपनियां, ठीक है, आपके पास मार्केट में मान लीजिए हर कंपनी के प्रोडक्ट हैं, आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई सोप का प्रोडक्ट ले लीजिए, कुछ भी, तो 10 कंपनी आपके पास है, पर लोग एक ही कंपनी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, रीजन बिंग कि उनके प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी अच्छी, उन्होंने अपनी अच्छी ब्रांड इमेज बनाई, तो क्वालिटी का एक अच्छा खासा रोल रहता है। क्वालिटी सर्कल उसी बारे में बात करता है और जापान में इसकी शुरुआत हुई थी, 1960 की ये बात है, एंड नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन 1960 में जापान में इसको शुरू किया गया था, अब यह पूरी जगह पर हर जगह फैल गया। क्वालिटी सर्कल में क्या होगा, अ क्वालिटी सर्कल कंसिस्ट ऑफ 7 to 10 पीपल फ्रॉम द सेम वर्क एरिया हु मीट रेगुलरली टू डिफाइन एनालाइज एंड सॉल्व क्वालिटी। तो इसमें क्या होगा, 7 से लेकर 10 लोग होंगे, और ये सब जो 7 से 10 लोग हैं ये सेम डिपार्टमेंट के सम एरिया के होंगे, हु मीट रेगुलरली, ये टाइम टू टाइम रेगुलरली जो है मीटिंग करेंगे, डिफाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे, और जो भी क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं या उनके एरियाज में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में लोग बात करेंगे। ट्रेनिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स। तो जो उसके मेंबर्स हैं जो मिल रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकें। क्वालिटी सर्कल आर सेट टू प्रोवाइड क्विक कंक्रीट एंड इम्प्रेसिव रिजल्ट वैन करेक्टली इम्प्लीमेंट। अगर क्वालिटी सर्कल को अच्छे से आपने इम्प्लीमेंट किया तो ये आपको अच्छा और एक इम्प्रेसिव रिजल्ट देने का काम करेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, क्वालिटी सर्कल को बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा कोई भी पर्सन अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो मान लीजिए कोई बैंक जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब वो जो एस्पिरेंट्स है जो अपनी तैयारी कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा है। अभी मॉक टेस्ट से क्या कर रहा है कि वो मान लीजिए 100 क्वेश्चन उसको मॉक टेस्ट के थ्रू दे रहा है। अब जैसे ही उसका मॉक टेस्ट खत्म हुआ उसका स्कोर मान लीजिए आया 100 में से 50, तो 50 स्कोर को देख के उसको लगा कि 50 नंबर तो आए, बाकी 50 मेरे क्या क्वेश्चन गलत हो गए, तो उनको चेक कर रहा है, मॉक टेस्ट में सॉल्यूशन है तो उसको जाके वो चेक कर रहा है कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए और मैंने कौन कौन से क्वेश्चन के गलत आंसर दिए। यानी अब अगली बार जब वो मान लीजिए उसी टेस्ट को दोबारा लगाता है या उसी तरह से जो अगली बार मान लीजिए वो और अपना टेस्ट देगा तो उसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे धीरे धीरे इंप्रूव होगा, पॉसिबली अगली बार उसके 60 आएंगे, फिर वो सोचेगा कि मेरे 40 नंबर कम कैसे हो गए, फिर से वो मॉक टेस्ट में जो उसके गलत क्वेश्चन है उसको चेक करेगा, फिर अगली बार फिर वो देगा फिर 70 आएंगे, फिर भी सोचेगा कि 70 नंबर आए तो 30 नंबर कहाँ कम हो गए, ठीक है, तो फिर वो देखेगा कि कौन से 30 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, उनकी वो तैयारी करेगा, उसको ठीक करेगा, फिर अगली बार देगा फिर 80, फिर अगली बार एग्जाम देगा 90। तो यानी उसके मार्क्स में इंप्रूव होता जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसकी गलतियां हैं तो उसको बार बार उसको चेक करके उसको इंप्रूव कर रहा है। तो क्वालिटी सर्कल भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी वहाँ पर परेशानी आ रही है, जो भी क्वालिटी को लेकर इशू है, तो उसको आप पूरा पूरा देख रहे हैं कि क्या है, उसको आप पूरा एनालाइज करने का काम कर रहे हैं। और इससे फायदा क्या होगा, जैसे मैंने आपको ये मॉक टेस्ट वाले एस्पिरेंट का एग्जाम्पल दिया, ये रियल लाइफ में भी इसी तरीके से बिल्कुल काम करता है, ठीक है। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप चेक कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है आप चेक कर रहे हैं कि क्या उसके रिव्यूज हैं, लोग कैसा कैसा उसको देख रहे हैं, मतलब आप उसके एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। और प्रॉपर इसमें लोगों को जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे जो मतलब जो मेंबर्स हैं उसके जो क्वालिटी सर्कल के मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे इस परेशानी को जो है रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और इससे एक अच्छा खासा इंप्रेसिव और क्विक रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, तो वही हो गया आपका क्वालिटी सर्कल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ESOPS? ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसका फुल फॉर्म क्या है? इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है? ये एक टाइप का प्लान है अंडर विच इम्प्लॉयज रिसीव द राइट टू परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो इस ESOP के तहत क्या होता है कि जो इम्प्लॉयज है उनको राइट मिलता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स को, नंबर ऑफ शेयर भी पहले से डिसाइड रहता है कि इतने, जैसे मान लीजिए 1,000 शेयर या 50 शेयर या 2,000 शेयर, कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो सर्टेन नंबर ऑफ कंपनी के शेयर्स को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस, तो प्राइस भी पहले से डिटरमाइंड होगा कि इस रेट पे आप उसको खरीद सकते हैं एज ए रिवॉर्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस, जो भी उनका परफॉर्मेंस है उसको रिवॉर्ड के तौर पे। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो एज एस मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयर टू कीप इंक्रीजिंग देयर परफॉर्मेंस। तो इम्प्लॉयज़ को जो है, जैसे उसको शेयर्स मिल रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे खासे प्राइस पे, मतलब सस्ते रेट पे, ठीक ठाक प्री डिटरमाइंड रेट पे, तो इम्प्लॉयज़ के पास शेयर्स पहुंच गए, तो शेयर्स जिसके पास है यानी उस कंपनी का भी क्या बन गया, उतने परसेंट का मालिक। अब मान लीजिए एक स्टाफ के पास 0.01% कंपनी के शेयर्स है, तो इतना परसेंट कंपनी का क्या बन चुका है? मालिक बन चुका है। सो उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे अच्छा काम करना है ताकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े और मेरे जो शेयर्स है उसकी वैल्यू भी बढ़े। ठीक है, तो वो अपना, मतलब वो जुड़ाव महसूस करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो वही यहाँ पे भी होगा, उसको जो है वो उसको मतलब उसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसको मोटिवेशन के तौर पे जो उसको ये रिवॉर्ड दिया गया है कि उसको अच्छे खासे नंबर के जो है प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं, ताकि जो है उसकी परफॉर्मेंस वो इसी तरह से आगे भी इसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस वो कर सके। एम्प्लॉयर टिपिकली हैव टू वेट फॉर सर्टेन ड्यूरेशंस नोन एज वेस्टिंग पीरियड बिफोर। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो ESOP के तहत जो राइट मिलता है कि वो शेयर्स खरीद सकते हैं, तो एक वेस्टिंग पीरियड होता है, इसको आप लोग हॉलीडे पीरियड बोल सकते हैं। तो इस पीरियड का उसको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते हैं उसको ESOP खरीदने का राइट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम होता है जिसको हम लोग वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, तो उस दौरान तक एम्प्लॉय को वेट करना पड़ता है और फिर जाके वो अपने शेयर खरीदने के जो राइट है उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो वही हो गया आपका ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चलिए इसके साथ इस वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और HRM के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको 2 हैंड्स ऐप में मिल जाएंगे, और वो जो PDF है और जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए वीडियो में बनाए हैं वो सारे नहीं है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए, लेकिन आपके जो PDF है उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए PDF आपको जरूर गो थ्रू करनी चाहिए। इन वीडियो से आपका काम पूरा नहीं होगा, PDF में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो उनको आप गो थ्रू कर लीजिए। मुझे लगता है कि 400 के आसपास आपको सारे PDF में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो 2 हैंड्स आपसे आप लोग उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF को अवेल कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।